प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे पत्रस के पत्रे से तीसरे अध्याय से वचनों को पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादी सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल में विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भविष्य भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के वचन में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रखो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को नहीं कहीं हाथ में से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमेन। यहाँ पर पत्रस इस पत्री को लिखते हैं और कहते हैं कि जो बातें भविष्य वक्ताओं ने कही हैं पहले, उसको तुम याद करते रहो। और फिर वो यहाँ पे कई बातों को कहने लगते हैं जिसमें वो प्रभु के आगमन की बात करते हैं, प्रभु के न्याय की बात करते हैं और इस स्वर्ग और पृथ्वी
की बात करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है आने वाले समय में, उसको वो यहाँ बताते हैं कि क्या होने वाला है इस स्वर्ग और पृथ्वी, जिस स्वर्ग और पृथ्वी को हम जानते हैं उस स्वर्ग और पृथ्वी का क्या होगा आने वाले समय में, ये वो बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि इस स्वर्ग और पृथ्वी का चरित्र क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है, इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ क्या क्या हुआ है हमारे आने से पहले, कहीं हजारों हजारों सालों के पहले इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ क्या क्या हुआ, वो ये भी बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि अभी का स्वर्ग और पृथ्वी कैसा है, उसके साथ क्या होगा, और फिर आगे जो आने वाला युग है वो कैसा होगा। और ये सभी बातों को वो कहते हुए ये बताते हैं कि हम जो इन सभी बातों को जानते हैं, हमको प्रभु के दिन पर भरोसा करना है, हमको उन लोगों की तरह नहीं रहना है जो कुछ इन सब बातों के बारे में सोचते ही नहीं है, जो केवल इस दुनिया और दुनिया की लालसाओं के लिए जी रहे हैं। जैसे वो वर्स 3 में भी कहते हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं इन बातों की, बातों को बहुत तुच्छ समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो अपने खुद के लालसाओं में चल रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आज हम रहेंगे और मर जाएंगे और फिर ये सब जो बातें हैं वो तो वो होगा कि नहीं होगा, किसको पता, कौन जाने, वो इस प्रकार सोच रहे हैं। पत्रस लेकिन कहते हैं कि हमको ऐसे नहीं रहना है, हम जानते हैं कि जो बातें आने वाली हैं तो उस हिसाब से हमको चलना है। हमको वो बताते हैं कि कैसे, वर्स 11 में बताते हैं कि कैसे हमको पवित्रता में चलना है, कैसे हमको दिन बर दिन कैसे प्रेम में चलना है, हमको एक भक्ति में जीना है, परमेश्वर का भय रखना है। और यीशु मसीह के आगमन के लिए बहुत हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, हमको रोज उस आशा में जीना है कि यीशु मसीह हमको लेने आ रहे हैं और एक नया युग वो अपने साथ लेके आ रहे हैं। और तो उस तरह, और वर्स 14 में भी वो आगे कहते हैं कि हमको दाग, बेदाग रहना है बिल्कुल, हमको कोई निष्कलंक, कोई दाग के बिना, कोई पाप में हमको नहीं रहना है। तो हमको पवित्र रहना है प्रभु के सामने, निष्कलंक और निर्दोष हमको पाया जाना है जब प्रभु आएंगे। तो इन सब बातों को वो कह रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्या प्रभु का दिन कैसे होगा, प्रभु का दिन कब आएगा, और क्या प्रभु का दिन कभी आएगा भी, कि जैसे ये मजाक उड़ाने वाले कह रहे हैं ना वर्स 4 में कि बाप दादे जब जब से सो गए हैं तब से जो जैसी चीज़ें तब थी वैसे ही चीज़ें अभी भी चलती जा रही हैं, पहले से इस दुनिया बनी तब से सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, कुछ बदला ही नहीं है। तो ये क्या लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, तो फिर वो ये कह के हमारे सामने एक पर्दे को हटाते हैं और एक हिस्ट्री को वहाँ प्रकट करते हैं, इस स्वर्ग और पृथ्वी के चरित्र को, के इतिहास को वो यहाँ पे एक पर्दे को हटाकर हमारे सामने रखते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वर्स 5 में जैसे वो कहते हैं, हम पढ़ सकते हैं कि कहते हैं कि वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल में विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया।
यहाँ पे वो इस वर्ड को यूज करते हैं उस युग। इंग्लिश में ऐसा है कि द वर्ल्ड दैट देन वॉज, जो दुनिया तब थी, ऐसे हम कह सकते हैं, नहीं तो जैसे कहते हैं उस युग। तो ये युग, उस युग में क्या हुआ था, वो कहते हैं कि जो ये पृथ्वी थी, हमारी ये पृथ्वी उस युग में कैसे नाश हुई, जल में डूबकर नाश हो गई उस युग में। और फिर वर्स 5 में भी वो कहते हैं कि पहले जब परमेश्वर ने, जैसे हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि पूरा जल, पूरा पृथ्वी जल में डूबा हुआ था। और कई वचनों को भी हम एक्चुअली पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि जो पृथ्वी है वो पानी में बसा हुआ है, वो पानी में है। तो ये जो युग है, ये युग एक्चुअली जिस युग की पत्रस यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस युग कब था, परमेश्वर ने जो आदम और अव्वा को बनाया, इस पृथ्वी को पुनर्निर्माण किया, उसके पहले एक युग था, वो हम देख सकते हैं। कुछ लोग इसकी बात करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि पहले उत्पत्ति के पहले पहला वचन, उत्पत्ति का पहला वचन है, उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। फिर दूसरा ही वचन में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेढोल और बेढोल थी और उसमें कुछ था नहीं। तो इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि सुनसान और बेढोल थी। तो परमेश्वर जब बनाते हैं किसी भी चीज को, तो वो एकदम सुंदर बनाते हैं, एकदम संपूर्ण परफेक्ट उसको बनाते हैं, वो कुछ भी ऐसे बेड़ोर और सुनसान नहीं बनाते। तो इससे हम जान सकते हैं, और कई लोग, कई बाइबल स्कॉलर्स इसकी बात करते हैं कि उत्पत्ति के पहले और दूसरे वचन के बीच कई सारी घटनाएं हुई जो वहां पे दी, हमारे सामने दी नहीं गई है, पर हमको पता है क्योंकि बाइबल में और कई जगहों में हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम एरेमिया इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि एक जगह में वो कहते हैं कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान थी, ऐसे कहते हैं। इसका हीब्रू में एक, इसके लिए एक शब्द है, तोवू वा बोहू, ऐसे कहते हैं, तोहू वा बोहू, मतलब एकदम बेढोल और सुनसान। तो वो हम एरेमिया के एक्चुअली 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वर्स 23, 24, 25 में हम पढ़ सकते हैं, उसके आगे भी हम पढ़ सकते हैं कि कैसे एक आदम और हव्वा से पहले एक पृथ्वी, जब जब और कुछ लोग वहां पे रहते थे, और फिर परमेश्वर का क्रोध उसमें आया। मतलब ये जो है वो जेनेसिस के वर्स 1 और 2 के बीच में हुई कुछ घटनाएं हैं, और उसको हम एरेमिया के 4 में पढ़, 4 चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं कि वहां लिखा है कि कैसे सारे लोग मर गए, सारे जानवर सब उड़ गए, सब खत्म हो गए, सब पक्षियां सब उड़ गए। और फिर वहां परमेश्वर वहां पे लिखते हैं कि ये मेरा न्याय है। तो और कई जगहों में भी हम इन बातों को पढ़ सकते हैं, जैसे हम आयजाया में पढ़ते हैं, लूसिफर के बारे में बताया गया है कि कैसे लूसिफर का भी एक सिंहासन था, पर पाप के वजह से वो पाप में उसके जाने के कारण उस पर परमेश्वर का न्याय दंड आया। और फिर हम इन बातों के बारे में बाइबल में और भी कुछ जगहों में पढ़ सकते हैं, जैसे हम एक वर्स पढ़ते हैं जो साम भजन संहिता 104 में हम कुछ वचनों को पढ़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्णन किया है कि कैसे परमेश्वर ने उस युग के जो पृथ्वी को जल से नाश किया।
ये वहां पे बताया गया है कि पानी के बाढ़ से कैसे नाश किया। और हम ये देखते हैं ना कि परमेश्वर जब नूह को ये प्रॉमिस देते हैं उत्पत्ति के 9:11 में, वो नूह को परमेश्वर ऐसे नूह और उसके परिवार के साथ एक वाचा बनाता है और वो कहते हैं कि अभी अब से कभी मैं इस पृथ्वी को बाढ़ से कभी नाश नहीं करूंगा, ऐसे वो कहते हैं। तो नूह के बाढ़ के बारे में हम सब जानते हैं, जिसमें काफी सारा इस पृथ्वी में परमेश्वर ने न्याय को अपना प्रकट किया। नूह के परिवार के सिवा बाकी सब उस बाढ़ में मर गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि और कई बाइबल स्कॉलर्स इसकी बात करते हैं कि एक बाढ़ भी आया था उसके नूह के बाढ़ के पहले, मतलब परमेश्वर ने आदम और अव्वा को बनाया उसके पहले, और उस बाढ़ के कारण ही पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। और वर्स 2 में, जेनेसिस वर्स 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो पानी के ऊपर मंडरा रहे थे, हमें देखते हैं। तो वो पानी, पूरा पृथ्वी जो है वो पानी में डूबा हुआ था, वो हम देखते हैं उत्पत्ति के वर्स 2 में हम वो देखते हैं। तो वो बाढ़ कब आया? कहीं लोग मानते हैं कि जो लूसिफर का राज वो इस पृथ्वी पर था और कुछ लोग थे उस पृथ्वी पर जिसके ऊपर उसका राज था। वो लोग अभी हमारी तरह थे, जैसे आदम और अव्वा के हम सब संतान हैं, तो वो हमारे जैसे थे कि उनमें कुछ अलग था वो हम नहीं जानते हैं, पर कुछ कुछ तरह के लोग थे। और हम साइंटिस्ट लोगों ने भी कहीं, वो लोग कहते हैं कि जो इंसान जो है वो बहुत बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस सालों तक इस दुनिया में रहा है, और फिर वो बताते हैं कि हम बंदर से आए हैं, और उसके लिए वो कुछ हड्डियों को प्रस्तुत करते हैं कि देखो पहले इंसान जो है वो बंदर जैसा दिखता था, और कुछ लोगों की हड्डियों को वो दिखाते हैं कि जो इंसान जैसा अभी हम इंसान दिखते हैं वैसे नहीं दिखते थे, वो अलग दिखते थे। तो हम शायद सोच सकते हैं कि यही जो है वो उस समय के लोग थे, मतलब जो उस युग के समय के लोग थे। और कई लोग ये सोचते हैं कि लूसिफर उन लोगों पे राज्य करता था, और फिर पाप के कारण परमेश्वर को उस युग के पूरे इस दुनिया को बाढ़ से नष्ट करना पड़ा। तो हम बाइबल में कुछ कुछ जगहों में इसके बारे में वर्णन दिया गया है, हम देखते हैं कि भजन संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है। साम्स 104 वर्स 5, उसमें मैं पढ़ती हूँ। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से, जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुटती घुटकी से वह भाग गया। इसमें बोल रहे हैं कि जो पानी है वो परमेश्वर के डांट से भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। और फिर वो बताते हैं वर्स 9 में, तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांग सकता है और न लौट कर स्थल को डांप सकता है, मतलब न लौट कर पूरे पृथ्वी को वो डांप सकता है। तो पूरी पूरी पृथ्वी को एक समय पानी ने डांप रखा था, लेकिन अब वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आदम और अव्वा को बनाने से पहले, जैसे इसमें लिखा है कि प्रभु के गरजने से, प्रभु के डांट से सारा जो पानी है वो एकदम बह गया, अपने अपने स्थान में वो बह गया, और उसका सीमा परमेश्वर ने ठहरा दिया। अब वो कभी भी, हाँ, पूरी पृथ्वी को डांप नहीं सकता है। तो ये जो है ये उस समय के जो दुनिया, उस युग के पृथ्वी का
पृथ्वी की इतिहास है। और ये हम एक्चुअली साम 77 चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, 16, 17 और 18 वर्स में। इसके बारे में ये है कि कैसे जो पानी ने पूरा घेरा हुआ था पृथ्वी, और पानी परमेश्वर को देख के डर के भाग गया। तो ये जो है पृथ्वी और पृथ्वी की इतिहास है। तो फिर आगे वो कहते हैं वर्स 7 में, फिर आने वा जो अभी वाली पृथ्वी है, जो जो पृथ्वी अभी है, ऐसा लिखा है इंग्लिश में है कि द वर्ल्ड द हेवन्स एंड द अर्थ विच नाउ एग्जिस्ट, ऐसा लिखा है। तो अभी वाली जो पृथ्वी है, मतलब यहाँ मैं पढ़ती हूँ, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। तो अभी वाली पृथ्वी है, वर्तमान के अभी पृथ्वी और आकाश है, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा रखा गया है, एक समय के लिए रखा गया है, जब वो पानी से नहीं लेकिन वो आग से जलाया जाएगा। तो फिर वो कहते हैं वर्स 9 में, वो कहते हैं कि प्रभु एक्चुअली देरी नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं कि वो ऐसे ही देरी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब मन फिरा के परमेश्वर को जान लें और नाश होने से बच जाएं, हमारे खातिर ही वो देरी कर रहे हैं। और फिर वो यहाँ पे वर्स 8 में वो एक बहुत की वर्स बताते हैं, एक चाबी की तरह है। इस चाबी के द्वारा हम परमेश्वर के टाइमलाइन को हम समझ सकते हैं, कि परमेश्वर के समय समयों को हम समझ सकते हैं। वो वर्स मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे वो कहते हैं कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1,000 वर्ष के बराबर है और 1,000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो कई लोग ऐसे समझ लेते हैं इस वर्ष को कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए समय करके कुछ नहीं है, एक दिन भी 1,000 दिनों के समान है, 1,000 वर्ष के समान है, 1,000 वर्ष भी एक दिन के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पत्रस एक्चुअली एक हिंट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि परमेश्वर के एक्चुअली परमेश्वर के टाइम टाइम हम कहते हैं, परमेश्वर के टाइम में परमेश्वर जब एक एक दिन ऐसे बोलते हैं, कुछ जगहों में हम देखते हैं बाइबल में वो कहते हैं कि एक दिन, जब वो एक दिन ऐसे कहते हैं तो वो एक्चुअली 1,000 सालों की बात करते हैं। जैसे जैसे एक वचन है बाइबल में, आई थिंक वो माइका में है, उसमें लिखा है कि 2 दिन हम तेरे सामने मरे रहे, सोए रहे या मरे रहे, और तीसरे दिन तू हमें जी उठाएगा। तो वो एक्चुअली तीसरे दिन, जैसे दो यीशु मसीह के आने के बाद 2,000 साल गुजर गए हैं, तो 2 दिन इज़राइल के जो लोग हैं वो भरमाए गए हैं, वो यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने एक मरी हुई परिस्थिति में रहे हैं। लेकिन तीसरा दिन जो जल्दी आने वाला है, जब यीशु मसीह आएंगे तब वो जिलाए जाएंगे, मतलब वो प्रभु को जान लेंगे। ऐसे कई वचन हैं बाइबल में हम देखते हैं, जैसे जिसमें जब परमेश्वर तीसरा दिन बोलते हैं तो वो एक्चुअली 2,000 सालों के बाद की बात करते हैं। तो और ये भी हम देखते हैं कि जैसा आदम और अव्वा को परमेश्वर ने बनाया, और सारे पृथ्वी और जीव जंतु, जल मतलब जल नहीं, जो पेड़ पौधे सबको बनाया, तो हम देखते हैं कि सारा काम प्रभु का खत्म हुआ 6 दिनों में, और 7 दिनों में 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया। तो और एक बात हम ये यहाँ पे देखते हैं कि 7वें दिन में प्रभु ने अपना सारा काम खत्म किया। तो अभी जो अभी हम जानते हैं कि आदम और अव्वा के होने के बाद अभी 6,000 साल चले गए हैं, तो हम प्रभु की नजर में मतलब 6 दिन निकल गए हैं। तो इससे हमको पता है कि प्रभु का आगमन जल्दी आने वाला है, क्योंकि हम वो 6th डे के अंत में है, नहीं तो 7th डे की बिगिनिंग में है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन प्रभु का दिन जल्दी आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पत्र से हम बताते हैं कि एक प्रभु के यहाँ कैसा है, 1,000 साल एक दिन के समान है। तो 6,000 साल चले गए हैं, 6 दिन चले गए हैं, 7वां दिन
आने को है। तो फिर वो समझाता है वर्स 10 और 11 में कि कैसे होगा, चोर की तरह प्रभु का दिन आएगा और सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारा इस पृथ्वी पर जो भी है वो पृथ्वी पर के काम नाश हो जाएंगे और तत्व जो है वो एकदम पिघल जाएंगे, गर्मी में वो पिघल जाएंगे, सारा ये जो जो हम देखते हैं वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत एक अच्छा गुड न्यूज़ है उसके बाद वर्स 13 में है कि हम प्रभु के प्रॉमिस, प्रभु ने हमको वादा किया है उसके अनुसार हम एक नई आकाश नई पृथ्वी के लिए बहुत इंतजार में है, जिसमें जिसमें प्रभु की धार्मिकता वास करेगी। जब यीशु मसीह राजा होंगे, जब पाप हटा दिया जाएगा, हम देखते हैं कि इस युग के अंत में, यीशु मसीह के 1000 सालों के बाद, हम देखते हैं कि ऐसा एक युग आएगा जब कोई पाप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, कोई जीव जंतु मरेगा नहीं, कोई भी पाप, कोई भी दान, कुछ भी खराब करने वाली वस्तु इस दुनिया में नहीं रहेगी और एक परफेक्ट, एक सिद्ध, एकदम परफेक्ट जमीन और परफेक्ट आसमान आएगा जिसमें प्रभु राजा होंगे और वो इस विश्राम का दिन हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो हम, जैसे पत्रस कहते हैं, हम इन बातों को जानते हैं और इन बातों को हमें, इन बातें हमें आशा देती हैं। मतलब हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन हम उस दुनिया की आशा में जीते हैं, उस दुनिया के इंतजार में हम जीते हैं जो जिसमें यीशु मसीह धार्मिकता को वापस लेके आएंगे इस दुनिया में और पाप और पीड़ा पीड़ा कुछ नहीं रहेगा और प्रभु सब कुछ नया बना देंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो तेरा न्याय इस दुनिया पर आने वाला है पिता। पिता, हम जो हैं, हम तेरे न्याय से बचने के लिए तूने हमें यीशु मसीह में चुन लिया है पिता। जब ये न्याय आएगा इस दुनिया पे तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम यीशु मसीह के आगमन में उठा ले जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता, फिर इस दुनिया के लिए भी तूने इतना एक बड़ा प्लान रखा है कि नया आकाश नई जमीन होगी, कोई पाप वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ धार्मिकता वास करेगा पिता। इन बातों से हमें हर दिन हमारे हमारे दिलों में हम हिम्मत बांधे रखें पिता, हम निराश नहीं हो जाएं पिता, और पवित्र बनाए रखें हम अपने आप को, हम निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं तेरा तेरे आगमन में पिता। हम सभी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।